हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट ऑफ होम में आप सबका स्वागत है। आज मैं चिकन की एक मजेदार डिश स्पाइसी चिकन करी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चिकन की इस रेसिपी को इसी प्रिपरेशन के साथ बनाएंगे तो चिकन करी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा और आप इसे रोटी या चावल के साथ खा सकते हैं। तो आइए बनाते हैं स्पाइसी चिकन करी। मेरे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। स्पाइसी चिकन करी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन अच्छी तरह से धो के साफ करके एक बॉल में रख लिया है। अब इसे मैरिनेट करना है। इसके लिए मैं पहले 1 टेबलस्पून नमक डाल दे रही हूँ। इसके बाद 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 नींबू का रस इसमें निचोड़ के दे देते हैं। अब इन मसाले को अच्छी तरह से मिला के देते हैं चिकन के साथ। सारे मसाले को चिकन में मिलाने के बाद इसे ढककर आधा घंटा के लिए रख देते हैं मैरिनेशन के लिए। आधा घंटा हो गया है। अब चिकन की प्रिपरेशन के लिए गैस का फ्लेम ऑन करके एक पैन में मैंने 5 से 6 टेबलस्पून तेल डाल दिया और उसमें गर्म होने के बाद पहले 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और 1 इलायची, थोड़ी सी जीरा और दालचीनी के 2 टुकड़े इसमें डाल दिए। मसाला भून जाने के बाद इसमें प्याज डाल देते हैं। 3 मीडियम साइज के प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल के प्याज को भूनते रहेंगे। प्याज को मैंने हल्का सुनहरा होने तक भून लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल देते हैं। अदरक लहसुन और हरी मिर्च को 1.5 मिनट तक भूनते रहेंगे और भून जाने के बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल देते हैं। इन सारे मसाले को अब प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले अच्छी तरह से भून जाने के बाद इसमें 1 मीडियम साइज के टमाटर का प्यूरी डाल देते हैं। टमाटर प्यूरी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसके बाद इसमें 1.5 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। हल्दी को मिलाते हुए 3-4 मिनट और भूनते रहेंगे मसाले को। अब इसमें मैरिनेटेड चिकन को डाल देंगे। अब हम चिकन को मसालों के साथ मिलाते हुए 4-5 मिनट तक इसे भूनते जाएंगे। चिकन को हमने 4-5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया है। चिकन का मसाला हमारा थोड़ा सूख गया है, इसलिए मैंने इसमें 1/2 कप जितना पानी डाल दिया है ताकि मसाला नीचे से जल ना जाए।
अब हम चिकन को पकने के लिए 3 मिनट ढककर रख देते हैं। हो गया है, अब हम ढक्कन को खोल लेते हैं। अब हम इसमें क्यूब के शेप में कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज के कुछ पीसेस डाल रहे हैं। अब चिकन को प्याज और शिमला मिर्च के साथ मिलाते हुए थोड़ी देर और चलाते जाना है। अब इसमें 10-15 करी पत्ता डाल देते हैं। पत्तों को चिकन के साथ मिलाने के बाद 1/4 टीस्पून चीनी इसमें हम डाल देते हैं। चीनी से चिकन का स्वाद मीठा नहीं बनेगा, बल्कि नमक मिर्च और सारे मसालों का जो टेस्ट है उसमें एक बैलेंस बनाए रखेगा। अब हम चिकन को पकने के लिए 2 मिनट ढककर रख देते हैं। दो मिनट हो गया है, चिकन हमारा थोड़ा बहुत पक गया है। शुरू से लेकर इस रेसिपी को मैंने मीडियम फ्लेम में बनाया है। अब चिकन में ग्रेवी के लिए 1.5 कप पानी इसमें डाल देंगे। पहले 1 कप पानी डाल देते हैं। इतने पानी में चिकन अच्छी तरह से बॉईल तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जो ग्रेवी बनेगी वो सूखी बनेगी, इसीलिए और 1/2 कप पानी इसमें डाल देते हैं, ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा जूसी बने। अब हम चिकन को ग्रेवी के साथ पकने के लिए 5 मिनट तक और ढककर रख देते हैं। 5 मिनट हो गया है, हमारे चिकन को देख लेते हैं कितना बन चुका है। चिकन के पीसेस एकदम नरम हो गया है, बनकर तैयार हो गया है हमारा स्पाइसी चिकन करी। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितने मजेदार और खुशबूदार स्पाइसी चिकन करी बनकर तैयार हो गया है। आप भी चिकन को इसी तरह से घर में बनाइए और रोटी, चावल या परांठा किसी भी चीज के साथ खाइए।